नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का शेयर प्राइस जब 86 रुपया चला करता था आज से 1.5 साल पहले, तब मैंने इसको रिकमेंड करते हुए YouTube पर कहा था कि फ्यूचर का ये मल्टीबैगर शेयर है। वहां से चलते हुए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर प्राइस ने 298 का हाई बनाया था और करंट टाइम में देखें तो ये 235 रुपये पर चल रहा है, जो इसके लाइफ टाइम हाई 298 रुपये से करीब 20 से 21% डिस्काउंटेड है। यानी पिछले 1.5 साल में इस शेयर ने जबरदस्त रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, अगर करंट प्राइस से भी उसका कंपेयर करके देखें तो। लेकिन क्या जिस तरह से इस शेयर ने पिछले 1.5-2 सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है, इसके शेयर प्राइस में जबरदस्त ग्रोथ होता हुआ दिखाया है, आने वाले टाइम में ये कंटिन्यू रहेगा? लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, इस शेयर का क्या टारगेट प्राइस हो सकता है, इसका रेवेन्यू फोरकास्ट हो या प्रॉफिट फोरकास्ट हो, कैसा रहने वाला है, ये पूरे डिटेल हम इस वीडियो में जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर वाकई आप टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप उसको मिस करेंगे। सबसे पहले टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बिजनेस के बारे में हम बात करें तो ये पावर सेक्टर से कंपनी आती है और करेंट टाइम में इसका बिजनेस पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप इस कंपनी को क्लोजली मॉनिटर और ट्रैक कर रहे होंगे तो शायद आपको आइडिया होगा, पूरे उड़ीसा में पावर डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर स्टेक होल्डर हो गया है, क्योंकि इस कंपनी ने उड़ीसा गवर्नमेंट से 51% का स्टेक खरीद लिया है। यानी करंट टाइम में अक्रॉस द उड़ीसा जो भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें 50% रेवेन्यू टाटा पावर कंपनी को जाता है, जबकि 49% ये उड़ीसा गवर्नमेंट के पास आता है। कुछ साल पहले अगर आप चले जाए तो 100% स्टेक होल्डर उड़ीसा गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन रिसेंट कुछ सालों में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने उसमें से 51% का स्टेक परचेज कर लिया है। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काफी कुछ काम कर रही है, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे सोलर प्लांट भी लग रहे हैं। इन दो मेजर बिजनेसेस के अलावा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के पास तीसरा भी एक मेजर बिजनेस है, जिसका फ्यूचर आने वाले टाइम में काफी ब्राइट रहने वाला है। और जिस बिजनेस का बात कर रहा हूँ, अक्रॉस द इंडिया ये कंपनी चार्जिंग स्टेशन लगाते जा रही है और इसका प्लान है 2025 तक कम से कम 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बिल्ड करना, क्योंकि जैसा कि आपको आइडिया होगा अक्रॉस द वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा काफी जोरों पर है और इंडियन गवर्नमेंट का भी प्लान है आने वाले 10 से 15 सालों में जितने भी पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस किया जाए। इसलिए अगर इसके पावर स्टेशन या चार्जिंग स्टेशन के बारे में हम बात करें तो निश्चित ही इसका फ्यूचर काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जब भी कोई XYZ इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करेगा, कहीं टूर पे जा रहा होगा, उसको चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी और ऐसे कंडीशन में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के पास जितना ज्यादा चार्जिंग स्टेशन होगा इसका रेवेन्यू उतना ही ज्यादा आएगा। करंट टाइम में इस कंपनी का मार्केट कैप 75,186 करोड़ है, स्टॉक पी 35 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 9.30% है और पिछले अगर 8-10 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज जो आपको करंट टाइम में दिख रहा है ये काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अब इसका लगातार इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है और ये 8.42% तक जा पहुंचा है। बुक वैल्यू इसका 70 रुपीज आपको देखने को मिलेगा और अगर इसके शेयर प्राइस से कंपेयर करके देखें तो 3.5 गुना ज्यादा चल रहा है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट पे आप नजर डालें तो इसका सेल्स जून 2019 से लेके जून 2020 के बीच में डिटोरिएट करता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ से एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल रहा है और लगातार इसका सेल्स इंप्रूव होते जा रहा है, क्योंकि जून 2020 में इस कंपनी का सेल्स 6,453 करोड़ था और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 के अकॉर्डिंग ये 14,495 करोड़ तक आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हालांकि इस पीरियड में आपको फ्लैट नजर आएगा और ये 1708 करोड़ में मामूली गिरावट के साथ 1683 करोड़ तक आया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट का सीधा सा मतलब है इसका ओपीएम परसेंटेज में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा और इस पीरियड में 26% से कम होकर 12% तक आ चुका है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम परसेंटेज हो, जो फॉल आपको देखने को मिल रहा है इसके पीछे का रीजन है, रिसेंट में बहुत ज्यादा पैसा इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया है नए बिजनेसेज एक्वायर करने के लिए और वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी कोई खास नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इसका सेल्स तो बढ़ता है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम का परसेंटेज हो यहां पर थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा है। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का जबरदस्त नजर आएगा, क्योंकि पिछले 12 सालों में सेल्स इसका 19,460 करोड़ से बढ़ के 42,816 करोड़ तक जा पहुंचा है
ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको इस पीरियड में 4586 करोड़ से बढ़कर 6663 करोड़ तक आ चुका है। हालांकि अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम सेल्स से कंपेयर करके देखें तो ये उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है जिस स्पीड या रेशियो से इसका सेल्स बढ़ा है। ओपीएम परसेंटेज यहाँ पर आपको थोड़ा सा गिरता हुआ दिखेगा और ये 24% से कम होकर 16% तक आ गया है। हालांकि बीच के कुछ एनुअल रिपोर्ट को देखें तो 7%, 9% और 10% तक जा चुका था, लेकिन वहां से कंपनी ने कुछ इंप्रूवमेंट दिखाया है और एक बार फिर से इसका ओपीएम परसेंटेज आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। नेट प्रॉफिट में कोई खास आपको चेंजेस यहां पर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये 2256 करोड़ में मामूली गिरावट के साथ 2156 करोड़ तक आया है। अर्निंग पर शेयर आपको 7.5 रुपया से थोड़ा सा कम होकर 5.5 रुपया के आसपास पहुंचता हुआ दिखेगा। बीच के कुछ सालों का रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर आपको कुछ निगेटिव अर्निंग पर शेयर भी देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार इसका निगेटिव अर्निंग पर शेयर जो पॉजिटिव में चेंज होता है लगातार आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा अगले कुछ एनुअल रिपोर्ट तक। लेकिन एक बार फिर से पिछले 3 सालों में अर्निंग पर शेयर में थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिखेगी, जिसका रीजन है जैसा कि मैंने बताया कंपनी तो पैसा अपना री इन्वेस्ट कर रही है नए बिजनेसेज एक्वायर करने के लिए या अपना सेल्स बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से इस कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन उसका रिफ्लेक्शन अभी 100% इसके नेट प्रॉफिट हो या अर्निंग पर शेयर हो उस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ओवरऑल इस कंपनी के परफॉर्मेंस को हम परसेंटेज वाइज देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 5%, 5 साल में 9% एवरेज रहता है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी ने पिछले 3-4 सालों में एग्रेशन दिखाया है वहां पर आपको जबरदस्त ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। इसलिए यहां पर 3 सालों में 13% जबकि पिछले 1 साल में ये 30% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका पिछले 5 सालों में एवरेज 9%, 10 साल में 17% जबकि पिछले 3 साल में 104% और पिछले 1 साल में 59% तक आ चुका है। स्टॉक प्राइस CAGR एवरेज ही आपको देखने को मिलेगा अगर 10 साल के डेटा को देखें तो, क्योंकि यहां पर भी मात्र 10% का ग्रोथ होता है जबकि पिछले 5 साल से कंपनी ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, जिसकी वजह से आपको 24% का स्टॉक प्राइस CAGR देखने को मिलेगा और पिछले 3 साल में 63% जबकि 1 साल में 76% होता हुआ दिखेगा। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बैलेंस शीट पर नजर डालें तो थोड़ा सा आपको मायूसी हाथ लग सकती है क्योंकि पिछले 12 सालों में रिजर्व इसका बढ़ के जरूर 13,789 करोड़ से 22,122 करोड़ तक आ चुका है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफी तेजी से बढ़ा है और ये 24,742 करोड़ से 51,195 करोड़ तक जा पहुंचा है। अगर इसके रिजर्व को हम देखें तो आपको ऑलमोस्ट 2.5 गुना के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिखेगा जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज जो बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है ये 2 गुना से थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा जिस ग्रुप से ये कंपनी आती है वहां पर ये कर्ज भले ही किसी कंपनी के ऊपर आपको ज्यादा नजर आए लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का आपको जबरदस्त नजर आएगा क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो जून 2020 तक 37.22% होता था अगले एक क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने ऑलमोस्ट 10% का स्टेक बाई किया FI जो DI जो या पब्लिक से, जिसकी वजह से ये 37% से बढ़ के ऑलमोस्ट 47% के आसपास जा चुका है और लेटेस्ट कुछ क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से ये कंटिन्यू बना हुआ है। FI की होल्डिंग सितंबर 2020 में जो करीब 11% के आसपास थी ऑलमोस्ट ये आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से ये 10.10% है। DI की होल्डिंग भी आपको सितंबर 2020 के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा गिरता हुआ दिखेगा और ये करीब 26% से कम होकर करीब 15% तक आ चुका है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया प्रमोटर्स ने इसी क्वार्टर में अपने स्टेक को करीब 10% के रेट से बढ़ाया है जिसकी वजह से FI की होल्डिंग हो या DI की होल्डिंग हो 2-3 क्वार्टर में आपको कम होता हुआ दिखेगा। टाटा पावर के लिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू आपको रेड सिग्नल देता हुआ दिखेगा, बाकी 4 पैरामीटर पर ये कंपनी खरा उतरती है जिसमें ROE वर्सेस FD रेट, डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट, नो रेट फ्लैग्स है। फोरकास्ट में जितने भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है उसको हम परसेंटेज वाइज देखें तो इस शेयर के लिए कोई बहुत अच्छा इनकरेजिंग नहीं है क्योंकि 19 एनालिस्ट में से मात्र 37% एनालिस्ट का मानना है करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करना चाहिए क्योंकि इस कंपनी के शेयर का टारगेट प्राइस जो दिया जा रहा है लोअर साइड में 170 रुपये तक जा सकता है और करंट लेवल से आपको 28% के आसपास गिरावट होती हुई दिख सकती है। मीडियम साइड में आपको करीब 4.5% के आसपास गिरावट होता हुआ दिख सकता है और इसका प्राइस 225 रुपये तक जा सकता है जबकि बेस्ट सिनेरियो में ये 291-92 तक जा सकता है और इस कंडीशन में आपको 24% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो इस कंपनी के लिए किया गया है लोअर साइड में ये आपको 25% गिरता हुआ दिख सकता है
मीडियम साइड में 10% ऊपर जा सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में आपको 34.82% का ग्रोथ होता हुआ दिख सकता है। और ये डेटा जो अवेलेबल है मार्च 2023 के लिए दिया गया है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के जो लास्ट क्वार्टर का रिपोर्ट आएगा वहां पर आपको ये देखने को मिल सकता है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर भी आपको लोअर साइड में निगेटिव ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये 5% के आसपास गिर सकता है। मीडियम साइड में आपको ये 8.28 तक जा सकता है और 52.04% का ग्रोथ होता हुआ दिख सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में ये आपको करीब 15.5 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, और यहाँ पर आपको 188% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। ये फोरकास्ट भी मार्च 2023 क्वार्टर रिपोर्ट के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस, जिसमें मेजर डेटा मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की ताकि आपको कम टाइम में अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल सके इस कंपनी और इस स्टॉक के बारे में। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो इसका मल्टीपल थोड़ा सा हायर साइड में चल रहा है क्योंकि ये 35% या इसके ऊपर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम इसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट पर नजर डालें तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंडिया में फ्यूचर काफी शानदार है, और उसके लिए जो भी चार्जिंग स्टेशन इस कंपनी द्वारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है निश्चित ही आने वाले टाइम में अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा इस कंपनी को। इसके अलावा जिस तरह से पावर सेक्टर में ये मेजर प्राइवेट प्लेयर बनते हुए जा रही है, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का मैक्सिमम स्टेक होल्डिंग होगा, और जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन अभी बहुत सारे स्टेट्स में इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है ये बिजनेसेस प्राइवेट प्लेयर द्वारा किया जाएगा, और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड उसमें एक मेजर प्लेयर होने वाली है। अगर मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से इस शेयर का टारगेट प्राइस आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले 4 से 5 सालों में यहां पर आपको डबल से ज़्यादा ग्रोथ होता हुआ देख सकता है, बशर्ते जिस तरह से कंपनी का प्लान है पिछले कुछ सालों में कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, चाहे इसका रेवेन्यू हो, चाहे इसका सेल्स हो, प्रॉफिट हो या कैश रिजर्व हो, इन सारे फ्रंट पर अगर ये कंपनी काम करती रही अपने प्लान के अकॉर्डिंग निश्चित ही इस शेयर का प्राइस आपको 500 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।